जी हाँ नमस्कार किसान भाइयों, केसीसी कर्ज माफ़ी रजिस्ट्रेशन शुरू। जी हाँ साथियों, किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 23 राज्यों के किसानों को मिलेगा कर्ज माफ़ी का लाभ, 2-2 लाख रुपए तक की तो काफ़ी जगह 1-1 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी होगी। सभी किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए जल्द से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किसानों के लिए क्या क्या योग्यता और क्या क्या पात्रता रखी गई है, किस दिन से कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा और कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तमाम A to Z जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। साथ ही किन 23 राज्यों के किसानों को कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस राज्य की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं कि वहां पे कर्ज माफ़ी होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने रुपये तक की कर्ज माफ़ी होगी। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहले देखो पहले को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, केसीसी कर्ज माफ़ी को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी। किसान जाने आपकी क्या क्या है पात्रता। सभी किसानों का हुआ कर्ज माफ, जल्दी चेक करें किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। केसीसी लोन माफ़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं केसीसी लोन माफ़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना के अंतर्गत ऋण माफ़ी की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके ताकि कृषि कार्य को किसान जो है बहुत ही आसानी से कर सकें। वहीं हम बात करें तो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रखे गए हैं, क्या क्या पात्रता है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कुछ मूलभूत मानदंड पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो किसान अप्लाई कर रहा है उस किसान के पास खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कागजात, पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट फ़ोटो, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC पासबुक, बैंक की पासबुक और संपर्क विवरण के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स 8 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया के लिए आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाकर वहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अप्लाई करना होगा, वहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। ऑनलाइन के लिए आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आपके राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे, मुख्य पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको जो फॉर्म ओपन होगा उसमें आपकी जो भी डिटेल है वो डिटेल आप उसमें सबमिट करेंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करेंगे और उसके बाद आपकी सत्यता की जाँच की जाएगी कि वाकई में आप किसान कर्ज माफ़ी के लिए पात्र हैं या नहीं है, एलिजिबल हैं या नहीं है। आवेदन की स्थिति की जाँच के बाद आपका जो है अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपकी सूची जारी की जाएगी राज्य की, उस सूची में आपका नाम होने पर आपको जो है किसान कर्ज माफ़ी के लिए 2-2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ किया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर शेयर कर दें। मिलेंगे साथ जल्द ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।